बरसात के सीजन में मलेरिया व डेंगू का डंक किसी की जान पर भारी ना पड़े, इसके लिए नूह स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसना शुरू कर दिया है। नूह सिविल सर्जन व डिप्टी सिविल सर्जन की मौजूदगी में जिले के हेल्थ इंस्पेक्टर की बैठक ली गई। सभी को मलेरिया महा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। डिप्टी CMO डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें न केवल डेल्टा मैथिन दवाई का छिड़काव कर रही हैं, बल्कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले के अलावा सरकारी कार्यालय, आवास की छतों पर जल भराव, टायर, कूलर, गमले इत्यादि में पानी तो जमा नहीं हो रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं ताकि डेंगू का लार्वा पनपने न पाए। गत वर्ष 2019 में मलेरिया के 942 केस मिले थे। इस वर्ष जनवरी से अब तक 18 केस मलेरिया के मिले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज की जो मीटिंग है, महीने में एक दिन हम मलेरिया की मीटिंग करते हैं। मलेरिया, डेंगू, जितनी भी नेक्स्ट अपनी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, इसको लेकर हमारे जो हेल्थ इंस्पेक्टर हैं या जिनके पास, जहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं है, जो मलेरिया वर्कर उनके पास चार्ज है, तो पूरे महीने का जो लेखा जोखा होता है, जो रिपोर्ट्स होते हैं उसके सिलसिले में, और जो नई आने वाले महीने में जो हमने काम करने हैं उनके बारे में मीटिंग की जाती है। तो आज इसी सिलसिले में हमारी हेल्थ इंस्पेक्टर मलेरिया की मीटिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से बारिश भी, मॉनसून का सीज़न शुरू हो गया है। पानी चल भराव कहीं जगह जगह पे, गांव में, सड़कों के किनारे पे और रहेगा, तो मच्छरों का जो पीक टाइम होता है ब्रीडिंग का, यही होता है। इसके बाद मलेरिया, डेंगू, जो भी बीमारियाँ हैं इस तरह की, ज़्यादा देखने में आती हैं। तो ये बीमारियाँ आप जानते ही हैं कि मेवात में मलेरिया काफ़ी रहता है। मलेरिया ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रहे, कम से कम केसेज आएँ, मच्छर कम से कम पैदा हों, तो इसी बारे में हमारी ये मीटिंग है। लोगों का जो बुखार है, बुखार की उसकी जांचें अधिक से अधिक हों, और जिसको भी मलेरिया पॉजिटिव आता है उसका इलाज तुरंत हो, और उसके बाद जहां मच्छर हैं उनको किस तरह से निपटना है, फॉगिंग करवानी है, टेनिफोस दवाई डलवानी है, तेल डलवाना है, तो इस सारी चीज़ों का हम इस पर जोर दिया जाएगा। विचार से, मतलब विस्तार से इस पर विचार किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। सारी सर, केसों की हम बात करें, गत वर्ष से कितने केस आए थे और अब कितने केस हैं मलेरिया? पिछले साल मलेरिया के जो केसेस थे, टोटल 942 केसेस थे पूरे साल में, जनवरी से और दिसंबर तक हम इसको मानते हैं कैलेंडर ईयर, और अब जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त के भी 3-4 दिन चले गए हैं, आज तक हमारे पास टोटल 18 केस। अगर हम आज तक की बात करते हैं, पिछले साल तो 250 के लगभग हमारे केस थे। तो कहने की बात यह है कि पिछले साल भी अब तक हमारे पास कुछ ज़्यादा केस नहीं थे, 250 थे, 18 हैं, फ़र्क बहुत है। लेकिन मैक्सिमम जो केसेस हैं, 70% केसेस हमारे अगस्त के बाद ही आए थे, तो इसीलिए हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हमने अच्छा काम किया है उसको लगातार आगे, जो मलेरिया का जो सीज़न है एंड हो, वहाँ तक ले जाने की।